बड़ी खबर दरभंगा शहर से आ रही है, जहां बैंक का लोन जमा नहीं कर पाने के चलते शहर में प्रसिद्ध होटल गंगाराम रेजिडेंसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। इधर जानकारी के मुताबिक होटल के स्वामी 2005 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से तकरीबन 1,35,00,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्शन लोन लिया था, लेकिन होटल स्वामी के द्वारा कुछ साल के बाद लोन की राशि भुगतान नहीं किया गया। फिर बैंक के द्वारा नोटिस प्रक्रिया के बाद सांकेतिक कब्जा कर लिया गया। फिर कुछ साल के बाद होटल की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई। वहीं होटल की नीलामी की प्रक्रिया में 2013 में रामानुज कुमार सिंह लगभग 4,58,00,000 रुपये में इस होटल को परचेस किया, लेकिन होटल स्वामी के द्वारा होटल को खाली नहीं किया गया। फिर यह मामला न्यायालय में चल रहा था, लेकिन आज जिला दंडाधिकारी के आदेश पर जिला प्रशासन सहित बैंक के कर्मी के द्वारा इस होटल पर कब्जा कर लिया गया है। तो ये ट्रेसपास कर रहे हैं, ये तो कानून ले नहीं रहे ना, ये तो ट्रेसपासिंग है जो कर रहे हैं आप। तो नहीं ट्रेसपासिंग कर रहे हैं, मैं इसके लिए ट्रेसपासर का केस करूंगा। किस बैंक से आए हुए हैं ये लोग, क्या मालूम सेंट्रल बैंक से मुद्दे आए। आप जब निकल गए इस अंदर से तो इसको क्या माना जाए? ये माना जाए कि हमको इन्होंने जबरदस्ती छोड़ दिया कि जाइए हम लेंगे। इनके पास जो चीज का आदेश नहीं है वो भी इनको लेना है। आपके एब्सेंट में ये लोग सारा काम। हाँ, एब्सेंट में ले। इतना बड़ा संपत्ति, अच्छा इतना बड़ा संपत्ति को छोड़ के आप जा रहे हैं? जाएंगे नहीं, ये तो जबरदस्ती हो रहा है, ये प्रशासनिक तौर पर जबरदस्ती हो रहा है। सबको पता है कि इसमें सिर्फ जमीन का पोजीशन है, मकान नहीं है, तो भी मकान का सील करेंगे कैसे कर सकते हैं? इसमें कौन सा कोर्ट जाना है हमको? उसी आदेश का पालन करने आया है। अब हम क्या करेंगे ये नहीं पता, अभी बता नहीं सकता हूँ मैं उसके आगे का कुछ करूंगा। लेकिन आज ये माधवी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड की गंगा रेजिडेंसी जो है उसको बैंक को दखल कब्जा दिलाया जाना है उनके खरीदार को, उसी में जिला पदाधिकारी द्वारा जो जिला दंडाधिकारी हैं उन्हीं के न्यायालय से सरफेसी एक्ट में आदेश हुआ है। उस आदेश के तहत मुझे इसमें दंडाधिकारी बनाया गया है। दंडाधिकारी के हैसियत से मैं यहाँ उपस्थित होकर दखल कब्जा दिलाने की कार्रवाई कर रहा हूँ। इसमें क्या है, इनके जो भी होटल है माधवी होटल, गंगा होटल के जो प्रोप्राइटर बालकृष्ण झा, उनको 2005 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से 1,35,00,000 का लोन दिया गया था, टर्म लोन दिया गया था, जिसमें उनका कंस्ट्रक्शन वगैरह भी काम का संभावना बनाने का भी दिया गया था। 2005 में लोन देने के बाद इनका कुछ दिन तो अकाउंट अच्छा चला, उसके बाद 2009 में इन्होंने अकाउंट ख़राब कर दिया। मतलब जो भी रिपेमेंट वगैरह होता है, रिपेमेंट वगैरह इन्होंने देना बंद कर दिया, जबकि इनका होटल अच्छा कंडीशन में चल रहा था। जैसा कि आप लोग भी लोकल है तो जानकारी होगा कि हमेशा अच्छा चला है, उस समय का नंबर वन होटल था। 2005 में इनको लोन दिया गया, 4,58,00,000 21,000 में 2013 सितंबर महीना में हम ऑक्शन में भाग लिए थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसी समय हम परचेजर थे, हमको बैंक सेल सर्टिफिकेट भी दिया है, वो सेल सर्टिफिकेट मेरे पास रखा हुआ है, देख लीजिए आप लोग भी देख सकते हैं इसको। अभी तक न्यायालय में मामला, कल भी न्यायालय में मामला था, लेकिन न्यायालय इनको कोई एंट्री नहीं दिया, कलेक्टर साहब आदेश किए हमको पोजिशन बनवाया था। अब बैंक लेगा, बैंक फिर हमको हैंड ओवर करेगा। कितना मिलेगा? 4,58,00,000। इस न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक दरभंगा।